भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक व बजरंग पुनिया केस में नया मोड़ आया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण पर पास्को एक्ट का केस दर्ज करवाने वाली पहलवान बालिक निकली है। ये पहलवान रोहतक की रहने वाली है। उसके स्कूल से मिले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उसे बालिक होने की पुष्टि हुई है। इसकी जाँच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम रोहतक आई थी। हालांकि उसके पिता ने इसे गलत करार दिया है। उनका दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है। नाबालिग लड़की के पिता ने कहा 16 साल की उम्र में बेटी का रांची में शिविर के दौरान ब्रजभूषण ने शोषण किया था। उनकी बेटी दिसंबर 2023 में 17 साल की होगी। हालांकि रांची शिविर 1.5-2 साल पहले हुआ था। ऐसे में सवाल है कि तब उनकी बेटी 16 साल की थी तो 2 साल बाद भी 18 साल की कैसे नहीं हुई। पिता ने कहा मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में मौत हो गई। दूसरी बेटी का नाम उन्होंने बड़ी बेटी के नाम पर ही रखा। वह अब भी नाबालिग है और रेसलिंग करती है। हालांकि उसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है इसके बारे में पिता स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।